गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज स्टडी। टुडेज टॉपिक इज शूट सिस्टम। आज का जो टॉपिक है वो शूट सिस्टम है। शूट सिस्टम में आपको पहले ही बता चुकी हूँ व्हाट इज द शूट सिस्टम। दैट मीन इज ये प्लांट के अपसाइड वाला जो पार्ट होता है वो होता है शूट सिस्टम। और इसके जो नीचे का जो पार्ट होता है, जो कि ये यहाँ पे रूट्स होती हैं, ये होता है रूट सिस्टम। आप देखिए यहाँ पर राइट डाउन है रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। जो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर राइट डाउन है, दिस वन इज द रूट सिस्टम एंड अपसाइड जो पार्ट होता है उसे हम कहेंगे शूट सिस्टम। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं ये सब कुछ आपको पहले ही करवा चुकी हूँ। नाउ द टर्न इज ए शूट सिस्टम। अब जो टर्न है हमारा शूट सिस्टम का है, इट इज अ मेन पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रो अबोव द सोइल। ये मेन पार्ट होता है जो कि सोइल में ऊपर की ओर वाला जो पार्ट होता है वो होता है। इट इज कंसिस्ट द स्टेम लीव्स फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। ये स्टेम लीव्स फ्लावर्स एंड फ्रूट्स इसमें कंसिस्ट होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो यस, नेक्स्ट इज द स्टेम। अब आपको देखिए स्टेम बता रही हूँ, प्लांट के बारे में आप जानते हैं। अब देखिए स्टेम, स्टेम क्या होते हैं? स्टेम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ प्लांट। इन मोस्ट प्लांट स्टेम आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग एंड होल्ड द प्लांट अपराइट। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। एंड ये क्या करता है, ये कई पौधों में ये स्ट्रॉन्ग होता है एंड होल्ड द प्लांट अपराइट। ये प्लांट को सीधा खड़ा रखने में मदद करता है। नेक्स्ट वन इज, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट जो है वो है द स्टेम ऑफ द ट्रीज इज नोन एज अ ट्रंक। मोस्ट ऑफ द ट्रंक आर कवर्ड विद द टफ आउटर लेयर कॉल्ड द बार्क। बार्क प्रोटेक्ट द इनर पार्ट ऑफ द ट्रीज। अब ये क्या होता है, स्टेम ऑफ द ट्रीज इज नोन एज अ ट्रंक। इसको ट्रंक कहा जाता है, स्टेम को ट्रंक कहेंगे। मोस्ट ऑफ द ट्रंक आर कवर्ड, ये कवर्ड होते हैं टफ आउटर लेयर का कॉल्ड द बार्क, जिसे हम बार्क कहेंगे। बार्क प्रोटेक्ट द इनर पार्ट ऑफ द ट्रीज। बिल्कुल ये उसी तरह से जैसे कि हमारी जो स्किन होती है, उससे स्किन जो होती है वो जो इनर ऑर्गन्स होते हैं उन्हें क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। बिल्कुल इसी तरह से प्लांट्स में भी ऐसा होता है कि बार्क जो होता है वो इनर पार्ट ऑफ द ट्रीज को प्रोटेक्ट करता है। द स्मॉल आउटर ग्रोथ ऑन द स्टेम ऑफ अ प्लांट आर कॉल्ड द बड्स। जो आउटर ग्रोथ होती है उन्हें हम बड कहते हैं, कलियां कहते हैं। बड आर ऑफ द टू टाइप्स। ये बड दो तरह की होती हैं, एपिकल बड एंड एक्सिलरी बड। ये दो तरह की होती है, एपिकल एंड एक्सिलरी बड। एपिकल जो बड होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है, ये क्या करती है, टॉप ऑफ द शूट, ये शूट के टॉप में होती है। देखिए यहाँ पर ये एपिकल बर्ड से ये ऊपर होती है एंड जो एक्सिलरी बर्ड है वो नीचे होती है। ये वाली जो बर्ड होती है, एपिकल जो बर्ड होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपवर्ड ग्रोथ। ये अपवर्ड यानी ऊपर की साइड इसका क्या होता है, ग्रोथ होता है। एपिकल बर्ड इज प्रेजेंट इन द एट द टॉप ऑफ द शूट। ये शूट के ऊपर प्रेजेंट होती है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपवर्ड ग्रोथ ऑफ द प्लांट। ये प्लांट की ऊपर यानी कि लंबाई में इसकी क्या करती है, ग्रोथ के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होती है। एक्सिलरी बर्ड आर फाउंड बिटवीन द स्टेम एंड लीफ स्टॉक। एक्सिलरी बर्ड गिव द राइज मेनी न्यू ब्रांचेस लेटरल ब्रांचेस ऑफ द प्लांट। यानी कि ये जो ऑक्सिलरी बर्ड्स होती है ये क्या करती है, ये ऑक्सिलरी बर्ड ये क्या करती है, ये ब्रांचेस निकालती है। तो ये इससे क्या होता है, प्लांट जो होता है वो घना हो जाता है। और ये क्या करती है, एपिकल बर्ड ऊपर की ओर ग्रोथ ले जाती है। ये लंबाई में बढ़ाती है और ये चौड़ाई में बढ़ाती है। ओके, ये नीचे होती है, ये ऊपर होती है, ये टॉप पे होती है। ओके, अब देखिए यहाँ पर द पार्ट ऑफ द स्टेम वेयर अ लीफ अराइज इज कॉल्ड द नोड। अब देखिए द पार्ट ऑफ द स्टेम, स्टेम का वो भाग जहां पर लीफ अराइज होती है यानी कि जहां से पत्ती निकलती है, टू कॉल द नोड, इसे हम नोड कहेंगे। द रीजन ऑफ द स्टेम बिटवीन द टू एडजेंट नोड्स इज कॉल्ड द इंटरनोड। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये छोटी छोटी जो है ये नोड्स हैं, ये छोटी छोटी जो है नोड्स हैं और इनके ये जो बीच का पार्ट होता है, ये जो बीच का पार्ट है वो इंटरनोड है। ओके, यानी दो नोड्स के बीच के जो पार्ट होता है इस पार्ट को हम इंटरनोड कहेंगे। और ये किस काम आता है, ये क्या है होता है इसका वर्क, नोड्स का क्या वर्क होता है, ये लीफ निकलती है यहाँ से। अगर आपने देखा होगा छोटे छोटे जो ऐसे मोटा मोटा सा हो जाता है प्लांट में, इसके स्टेम में, तो हम कहते हैं ना कि नहीं नहीं छोटी सी लीफ निकलेगी यहाँ से, तो यहाँ से ऐसे लीफ निकलता है। अब देखिए फंक्शन ऑफ द स्टेम आपको बताऊं, टू गिव द सपोर्ट, ये सपोर्ट देता है, टू हेल्प द कंडक्शन, सपोर्ट
देने में आपको पता है पूरा फ्लावर जो होता है वो अपराइट रहता है स्टेम की वजह से, टू कंडक्ट द कंडक्शन, टू हेल्प द कंडक्शन, टू हेल्प द कंडक्शन दैट मीन इज द स्टेम हेल्प इन द कंडक्शन ऑफ द वाटर एंड मिनरल्स अब्जॉर्ब बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट, इट इज कंडक्ट द प्रिपेयर फूड फूड फ्रॉम द लीव्स टू द वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट सच एज द रूट्स स्टेम एंड फ्रूट्स. Do you agree that the stem is like a two-way street? अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि ये two-way street की तरह काम करता है. कैसे two-way street से क्या समझाना चाहते हैं मैम आपको? मैम आपको ये समझाना चाहते हैं कि that means देखिए ये plant है, ये प्लांट है, और जैसे कि हम रास्ते इधर से जाते हैं और वापस आते हैं तो ये टू वेज जो होगा यानी एक तरफ से तो जाना और एक तरफ से आना, इट इज अ टू वे. ओके, यहां से जाएंगे और यहां से आएंगे. तो ये जो पार्ट होता है तो ये क्या करता है, ये पार्ट जो होता है ये स्टेम हमें कंडक्ट करता है यानी पानी को लेकर भी जाता है वापस. जो जो लीव्स जो प्लांट की जो लीव्स होती हैं, जो लीव्स होती हैं ये जो भोजन बनाती हैं, जो फूड बनाती है उसको वो ये नीचे जड़ों तक लेकर भी जाता है. आया समझ में आपको? टू हेल्प द कंडक्शन यानी कि ये प्लांट में कंडक्शन का काम करता है टू वे स्ट्रीट की तरह. बिल्कुल जो एक रास्ता होता है उसमें आने और जाने का रास्ता होता है, बिल्कुल उसी तरह से ये पानी को मिनरल्स को वाटर एंड मिनरल्स को ये पूरे प्लांट में लेकर भी जाता है और वापस लेकर भी, और जो फूड बनाती हैं लीव्स उनको नीचे तक लेकर भी आता है. ओके, ये स्टेम का वर्क होता है. अब देखिए मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम, स्टेम ऑफ द सम प्लांट आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म द सम एडिशनल फंक्शंस. कुछ एडिशनल फंक्शंस होते हैं. लेट्स स्टडी सम दीज स्टेम्स मॉडिफिकेशन एंड दियर फंक्शंस. स्टोरेज ऑफ द फूड, अब देखिए ये स्टोरेज से स्टेम ऑफ द प्लांट लाइक द जिंजर अनियन पटेटो डेवलप अंडरग्राउंड, दे बिकम थिक एंड फ्लैशी ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ द फूड. यानी स्टोरेज ऑफ द फूड का भी ये काम करते हैं. ओके, ये देखिए यहाँ पे ये आपका अनियन है और यहाँ पे जिंजर है. अनियन और जिंजर क्या वर्क करेंगे? अनियन और जिंजर वर्क करेंगे ये स्टेम होता है यानी ये जो फूड होता है ये फूड ही है, प्लांट द्वारा बनाया गया एक्सेस फूड होता है जो कि स्टोर हो जाता है. ओके, फूड मैन्युफैक्चर, ये फूड मैन्युफैक्चर करते हैं. प्लांट्स लाइक द कैक्टस ग्रोथ इन डेजर्ट और वेरी ड्राई प्लेसेस. इन सच प्लांट्स द स्टेम इज मॉडिफाइड इनटू अ थिक फ्लैशी एंड ग्रीन स्ट्रक्चर्स. दीज स्टेम मैन्युफैक्चर फूड बाय द फोटोसिंथेसिस एंड ऑल्सो कन्वर्ट वाटर. ओके, ये देखिए, अब ये देखिए लीव्स देखिए आपको दिखाई दे रही है, ये स्पाइन्स हैं जो कि मॉडिफाई हो चुके हैं. ओके, फूड मैन्युफैक्चर्स एंड देन डिफेंस दैट मीन्स कहा जाता है सुरक्षा करना. डिफेंस कहा जाता है सुरक्षा करना. इन द सम प्लांट लाइक द बोगेनविला एंड द सिट्रस द बड एंड स्टेम आर मॉडिफाइड इनटू द हार्ड पॉइंटेड एंड शार्प स्ट्रक्चर कॉल्ड द स्पाइन्स थ्रोन. दीज स्ट्रक्चर्स प्रिवेंट द एनिमल फ्रॉम द ईटिंग द प्लांट. अब देखिए खुद की रक्षा करते हैं, कैसे करते हैं कि जो इनका स्टेम होता है उसमें स्पाइंस आ जाते हैं, कांटे होते हैं, ठीक है, पॉइंटेड होते हैं, हार्ड होते हैं और शार्प होते हैं. जैसे कि बोगेनविला में आप देखो ये देखिए यहाँ पर ये जो कांटे निकले हुए होते हैं, रोज प्लांट में भी कांटे निकले हुए होते हैं, ये क्या होते हैं, थ्रोन इन द बोगेनविला, ये प्रोटेक्ट करते हैं, ये डिफेंस का वर्क करते हैं. किससे? कि कोई इनको खा ना ले, जैसे एनिमल्स होते हैं. ओके, तो इससे ये डिफेंस का वर्क भी करते हैं. ओके, यस, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है लीव का वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी. तो चलिए हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर देते हैं. टेक द करेक्ट ऑप्शन, द थिक वुडी स्टेम ऑफ अ ट्रीज इज कॉल्ड द थिक वुडी स्टेम ऑफ अ ट्री इज कॉल्ड द क्या कहेंगे, ट्रंक. ट्रंक, ओके. राइजोबियम बैक्टीरिया फिक्स एटमोस्फेरिक इन द सोइल. अब ये क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन को ऑब्जर्व करते हैं. नाइट्रोजन, राइजोबियम बैक्टीरिया फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सोइल. ओके स्टूडेंट, सो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी मैं आपको लीफ का स्ट्रक्चर. सो बाय बाय.